हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिवन। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा भी कई वैकेंसी हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन में सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फीस आपकी नहीं लगेगी एप्लीकेशन के समय। बिना अनुभव के यहाँ पर शिक्षक आप बन सकते हैं। वेतन यहाँ पर 21,250 से 26,250 तक मिलेगा आप लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए। बीएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी या एनटीटी स्टूडेंट सभी जो हैं यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। केंद्रीय विद्यालय अररिया से जो है ये वैकेंसी आई है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर सेशन 2023-24। तो अभी जो है वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है केंद्रीय विद्यालय में, और धीरे धीरे सभी जगह से आना स्टार्ट होगी। तो ये जो गुड अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आप मिस नहीं करें। यहां पर पीजीटी के लिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ 2 साल का जो है वो आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ में जो है यहाँ पर कहा गया है बीएड जो है वो कंपलसरी है, पीजीटी के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी जो है वैकेंसी है, जहां पर 50% मार्क्स के साथ आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीई या बीटेक किया है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है आपके पास, एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्टों के साथ जो है वो वैकेंसी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहां पर टीजीटी सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत। तो इन जो भी सब्जेक्ट जिसमें आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो स्नातक में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में 3 साल जो है ये सब्जेक्ट पढ़े हों। एसएसटी के लिए आप देख लें, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए कहा है कि बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इनमें से जो है वो आप लोगों का पढ़ा होना चाहिए। बीएड जो है वो कंपलसरी है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। पीजीटी में सीटेट नहीं मांगा गया है, बट यहां पर टीजीटी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए यहां पर कहा है कि बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में चाहिए, मीडियम जो है वो आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश दोनों रहेगा, लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस जो है आपका होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा आपका लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है। अभी पीजीटी और टीजीटी में हमने सभी सब्जेक्ट देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है पीआरटी, पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर 12th मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, और 2 सालों का आपका डीएड, बीलेड या इसके इक्विवेलेंट, यानी आपने बीटीसी भी किया है, एसटीसी किया है, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी सभी स्टूडेंट जो भी टीचिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे, चाहे वो बीएड स्टूडेंट हो, बीटीसी हो, डीलेड हो, एसटीसी हो, ठीक है। एनटीटी के लिए भी जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर पीआरटी के लिए कहा है कि सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जहाँ टीजीटी में सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है, तो पीआरटी में मांगा जाता है सीटेट पेपर 1। नेक्स्ट पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, तो यहाँ पर 12th मांगा गया है आपका 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जहां पर 50% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस का आप लोगों ने कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हो। उसके बाद जो है वो बाल वाटिका टीचर्स की भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय अररिया से। यहीं पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी जो है पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। 12th मांगा गया है यहाँ 50% अंकों के साथ। यदि आप लोगों ने एनटीटी किया है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का डिप्लोमा किया है, या फिर नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, या 2 साल से कम का कोई भी आपने ऐसा डिप्लोमा किया है जो कि नर्सरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए रहता है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल
एलिजिबल रहेंगे। बीएड नर्सरी भी किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 21,250 जो है वो बाल वाटिका टीचर्स को सैलरी मिलेगी। बाकी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है जो कि ध्यान में रखनी है, यहाँ पर बायलिंगुअल लैंग्वेज जो है यहाँ पर चलती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर हर पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही मांगी जाती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ लिखा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो मेन साइट पर मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट और उसके साथ में इनकी फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड की हुई, खुद के साइन किए हुए, साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आप लोगों को दिए गए समय और एड्रेस पर पहुंच जाना है स्कूल में। इंटरव्यू रहेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, बिना अनुभव के, बिना कोई एक्सपीरियंस के आप लोग यहां पर टीचर्स बन सकते हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। सैलरी जो है वो सभी केवी में जो है वो एक जैसी ही रहती है। पीआरटी के लिए जो बताया जाता है कि 21,250 जो है वो आप लोगों को सैलरी मिलती है, 26,250 पीजीटी के लिए मिलती है। एक और लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में विदाउट सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है इनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसकी मेन वेबसाइट पर चलते हैं, किस तरीके से जो है वो आप लोग एप्लीकेशन करेंगे सारी चीजें समझते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान दें, केंद्रीय विद्यालय अररिया, ये इसकी मेन वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा, इस पर व्यू ऑल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में अभी तक यहाँ पर 3 जो है नोटिस जारी हुए हैं। एक है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी का नोटिफिकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और ये मैंने आप लोगों को भी दिखाया। उसके बाद है पार्ट टाइम टीचर्स एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन दी गई है तो आप अच्छे से और भी देखें, मैंने आपको अभी बता ही दिया है, बाकी आप दोबारा से जो है वो जरूर देखें यदि आप एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद परफॉर्मा है पार्ट टाइम टीचर्स का, चाहे आप यहाँ बाल वाटिका टीचर्स के लिए एप्लीकेशन करना चाहें, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस परफॉर्मा को जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो इसे जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूं, ये परफॉर्मा है केंद्रीय विद्यालय अररिया का 2023-24 का। तो यहां पर जो है आप लोग अपना कंप्लीट जो है नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सारी चीजें जो है वो फिल कर लेंगे और दिए गए एड्रेस पर जो है वो आप लोगों को समय पर पहुंच जाना है। तो ये एक और जो है एडवर्टीजमेंट जो इसी मेन वेबसाइट से ही जो है वो डाउनलोड की गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा। और भी दोबारा से आप लोग देखना चाहें कि यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और इसके अलावा डॉक्टर, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी भी जो है वो वैकेंसी आई हुई है। ध्यान रखें पीजीटी और टीजीटी और इसके अलावा जो है पीआरटी की भी, यहाँ पर जो साक्षात्कार है वह 15 सितंबर को है 9 बजे, ठीक है। बाकी जो अन्य है डॉक्टर, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी जो है वो 16 सितंबर है 9 बजे, ठीक है। यहाँ लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर पूर्ण भरकर साक्षात्कार के समय जमा करें, ठीक है। तो बाकी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। एड्रेस जो है वो आप लोगों का ये रहेगा, केंद्रीय विद्यालय अररिया, रहिकपुर, पोस्ट अररिया, RS, जिला अररिया, बिहार, और ये पिन कोड रहा, ठीक है। वेबसाइट भी जो है यहाँ पर दी गई है, फोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ फोन करके जो है और भी चीजें आप पता कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से जो है इस चीज को आप देख लें, केंद्रीय विद्यालय अररिया में 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार पूर्णतः अंशकालिक और संविदा के आधार पर शिक्षकों के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु सूची तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार जो है वो कहाँ होगा, तो विद्यालय परिसर में, ये जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय अररिया, तो यहीं पर जो है वो आप लोगों का साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ कोई भी पोस्ट नहीं करनी है, एप्लीकेशन को आपको भेजना नहीं है, आपको खुद जो है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को समय पर पहुंच जाना है। तो 15 और 16 को इंटरव्यू रहेगा 9 बजे, तो आप लोग 8 बजे जो है स्कूल में पहुंच जाएं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वैकेंसी के साथ। थैंक यू।